हेलो फ्रेंड्स, आज हम कच्चे केले के चिप्स बनाएंगे। इसे आप शाम के चाय के साथ खाइए, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए बहुत ही कम सामान की ज़रूरत पड़ती है और ये सारे सामान आपको आपके घर में ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 पाव कच्चा केला लिया है। पहले हम केले को छील लेंगे। और ये देखिए, मैंने केले को छील लिया है। और अब चिप्स काटने वाली मशीन लेंगे इस तरह से, और केले का चिप्स हम इस तरह से काट लेंगे। अगर मशीन नहीं है तो आप नाइफ से भी अच्छे से काट सकते हैं इसे। और ये देखिए, इस तरह से चिप्स कट रहे हैं। और ये मैंने सारे केले का चिप्स काट लिया है। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल करिए जो आप किचन में यूज करते हैं। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, हम एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच नमक डालकर उसका घोल बना लेंगे। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए, ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम केले के चिप्स को तलेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे। और जब चिप्स आधा तलकर तैयार हो जाए, तब चिप्स में जो नमक का घोल हमने तैयार किया था, 2 चम्मच उस घोल को डालेंगे। इस घोल को डालने से केले के चिप्स में नमक का स्वाद अच्छे से आ जाएगा। और ये देखिए, लगभग केले का चिप्स बनकर तैयार है। इसे हम छन्नी में रखकर इस तरह से निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी बचे चिप्स को भी तल लेंगे। और अब एक बाउल लेंगे और उसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, मैगी मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला लेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और ये अच्छे से मिल गया है। अब जितनी ज़रूरत हो उतना हम केले के चिप्स में डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला देंगे ताकि मसाले चिप्स में अच्छे से लग जाएं। और ये देखिए, कितना क्रंची केले का चिप्स बनकर तैयार हुआ है। अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आप इसे एयरटाइट डिब्बे में रखकर लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसे आप बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी करिए कि ये केले का चिप्स आपको कैसा लगा।